मैं चिकन वाली मैकरोनी भी खानी है और सैलड वाली मैकरोनी भी खानी है। चलो ठीक है, चलो हम दोनों मिलके बनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको अपने सुमान में रखे। आज हम बनाएंगे मैकरोनी, दो तरह की मैकरोनी बनाएंगे हम, एक मैकरोनी सैलड और दूसरा वाइट सॉस मैकरोनी। ये 2 कप मैकरोनी ले लेते हैं, एक एक कप दोनों के लिए, इनको बॉईल कर लेते हैं। जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल है वो बॉईल कर लें, नमक और सिरका डाल के। ऐसे काटना है छोटा छोटा आपने। अब आगे मैं काटती हूँ। नहीं चलो, आपने बहुत काम कर लिया, आप थक गए होगे, आप जाके आराम करो, मैं कर लेती हूँ। आपके पास जो जो सब्जियां अवेलेबल हैं आप उनको काट लें। आजकल सीजन में इतनी अच्छी फ्रेश सब्जियां आई हैं कि ना भी डालना हो तो बंदा कहता है चलो डाल ही दें। ड्रेसिंग बना लेते हैं सैलेड के लिए। ये 3-4 चम्मच आप दही ले लें, ये इसमें 2-3 खाने के चम्मच मेयोनीज डाल दें, थोड़ी सी गार्लिक मायो डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीब, थोड़ा केचप डाल रही हूँ मैं। इनमें से जो चीज़ आपके पास है आप डाल लें, सब चीज़ें को ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है। चिली गार्लिक डाल रही हूँ मैं और काले मिर्च आप इसमें डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1 चाय का चम्मच चीनी, 1/2 मैकरोनी ले रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा प्याज, खीरा, गाजर, शिमला मिर्च, थोड़ा टमाटर, और ये हमारी बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं। आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो ना डालें, तो ये बॉइल की हुई हमारी वेजिटेबल्स हैं। अभी 2-3 चम्मच मैं इसमें लेमन जूस के डाल रही हूँ, आप चाहें तो सिरका भी यूज़ कर लें, थोड़ी सी नमक और काले मिर्च। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं खाने के साथ। ड्रेसिंग डाल देते हैं सैलेड के ऊपर, मिक्स कर लें। ऐसे नहीं जुमर, चलो ये देखो, ये हमने चिकन लिया, चलो ये दायां पकड़ो, चलो इसको ऐसे छोटे छोटे, छुरी सीधी रखो ना, चलो अब काटो। अच्छा बस हो गया। ये हमने पैन में 2 टेबलस्पून घी लिया, बोनलेस चिकन डाल रहे हैं तकरीबन 1 प्याली, नमक और काले मिर्च छिड़के आप 1 टेबल स्पून के करीब इसमें सोया सॉस डाल दें, 1 टेबल स्पून आप इसमें सिरका डाल दें। बस इसको आप ढक दें और हल्की आंच पे रख दें कि चिकन गल जाए। चिकन हमारा हो गया, अब इसी पैन में आप 2 चम्मच मक्खन डालें, इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डाल दें, तो वाइट सॉस के लिए हम बना रहे हैं। ये मैदा का आप इसमें अच्छी तरह फ्राई करें, इसका कलर चेंज हो जाए, मैदे के कलर चेंज हो गया, मैं अच्छी तरह फ्राई होगा, मैं इसमें दूध डाल दूँ तकरीबन 1.5 कप, हमारा सॉस हल्के हल्के गाढ़ा होना शुरू हो गया। हम इसमें ज़रा क्रश रेड चिली डालेंगे, ये मिक्स स्पाइसीज हैं,
मिर्च हर्ब्स ये डाल दें, थोड़ी सी नमक और काले मिर्च डाल दें आप। इसमें सॉस रेडी है, अब हम इसमें ये चिकन डालते हैं जो हमने फ्राई किया था। ये मैक्रोनी डाल देंगे, आप चाहें तो आप और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप कॉर्न्स या बेल पेपर। बस ये हमारा व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है।